एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है देवी जी पे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैंने अभी जस्ट अभी एक वीडियो देखा जो कि कल रात वाला था, तो अभी तक बहुत सारे उसके वीडियोस आ चुके हैं उनके, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी। बिकॉज ना, पता है आज वीकेंड है और आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। आप सबको पता है नवरात्रि हैं परसों से स्टार्ट, तो हम लोगों के घर में सफाइयों का अभियान चल रहा था, प्लस कुछ लोग आए हुए थे गेस्ट, है ना, तो कुछ फैमिलीज़ भी आ जाती हैं कई बार, रिलेटिव्स, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और आज के दिन ही हमें बहुत सारे काम भी हैं जो कि मुझे पूरा दिन में निपटाने हैं और साथ ही वीडियोस भी भेजने हैं। तो अभी जस्ट मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि लहंगे वाला था, आप लोगों ने देखा ही होगा, लहंगे वाले दो वीडियोज़ कल रात में आए थे, वो मैंने देखे। और उसमें मम्मी पागल है, मम्मी पागल है, मम्मी पागल है, बच्चा पागल बोले जा रहा है। और ये मैडम उसको बोल रही है, नहीं मम्मा पागल नहीं है, नहीं मम्मा पागल नहीं है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि भाई बच्चा भी समझ गया आप तो कि मैडम पागल हो चुकी है, लेकिन इस मैडम को अभी तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हाँ मेरी दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। इस टाइम तक एक शादी 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 इसके दिमाग पे कुछ इस तरीके से मतलब भर गया है ना इसके अंदर शादी शादी, कि इसको खुद को समझ नहीं आ रहा है कितनी गलत चीज़ें दिखा रही है, कितनी गलत चीज़ें कर रही है। सोचो 3 साल का बच्चा इसको पागल बोल रहा है, 3 से 4 साल का बच्चा, तब भी इसको तमीज नहीं है कि भैया ऐसी गंदी हरकतें ना करूं मैं बच्चे के आगे। वो बच्चा अभी से पागल समझ रहा है, तो सोचो वो आगे फ्यूचर में क्या हाल करेगा। वो इसको कमरे में बंद कर रहा है, मतलब जो पीछे वाला एरिया है उसमें बंद करके कुंडी मार देता है कि भैया एक पागल है, इसको तो पागल को बंदी कर दिया जाए। सोच रहे हो आप कितना, मतलब वो बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस औरत से। अभी तक बच्चे को देखने के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार हम लोग तो फिर भी खुशकिस्मत हैं कि अपने अपने घरों में हैं, कम से कम फेस टू फेस इसके साथ हमें डील नहीं करना पड़ रहा है ना। मैं तो अभी भी बोलूँगी कि हम सब खुशकिस्मत हैं, जब अगर मन करता है कभी तो वीडियो देखते हैं, अदरवाइज वीडियो ना देखें तो वो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन आप ये सोचो कि वो बच्चा हर एक मिनट उस औरत के साथ, उस लेडी के साथ है, और वो बच्चे को आज तक समझ आ गया है कि भैया ये मेरी माँ पागल हो चुकी है, इसका माइंड का स्क्रू जो है वो ढीला हो चुका है। तो अब वो बच्चा खुलेआम पागल पागल बोल रहा है और कितने प्यार से बोल रहा है, मतलब मैं उसको देख के हैरान हो रही हूँ कि कितने प्यार से मासूमियत से बोल रहा है, मम्मा आप पागल हो, आप पागल हो। यार ये बोलूँगी मैं कि इसको अपने बारे में अभी सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसने भर दिया है हर किसी के मन में, हर किसी के दिमाग में। जब तक एक ऑडियंस पागल हो रही थी तो तब तक चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम्हारा बच्चा भी ये चीज़ें समझ चुका है, तो अब तो कुछ शर्म कर लो। इतनी शादी 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 करती हो, मतलब इतना तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है ना शादी का, तो मैं तो तुम्हें अभी भी बोलूँगी यार तुम किसी से भी चलते फिरते किसी भी इंसान से शादी कर लो, एटलीस्ट तुम अपनी शादी करो और ये गंद मचाना बंद करो। बिकॉज हम लोग ना फर्स्ट एड तो खैर हो ही गए हैं कब के, लेकिन अभी जो बच्चे की सिचुएशन है, उसकी मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ ना पूरी बिगड़ने वाली है मुझे दिख रहा है। क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है तो बच्चे को कैसे स्टेबल करोगी, नहीं कर सकती हो, है ना। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने के लहंगे उठा उठा के पता नहीं कहाँ से ला रही है। यार मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, कहीं चोर बाजार वगैरह तो नहीं घूम रही तुम आजकल, कि वहाँ से कबाड़ी वालों से ऐसे जो होते हैं पुराने पुराने ज़मानों के उठा उठा के ले आते हैं, 50-50 रुपये में, 40-40 रुपये में कपड़े बेचते हैं, वहाँ से तो नहीं ला रही हो तुम ये वाले लहंगे उठा उठा के। क्योंकि जितने भी लहंगे इस लड़की ने दिखाए हैं, इस बंदी ने दिखाए हैं, देवी ने दिखाए हैं, मैं ये कहूँगी मुझे तो एक लहंगा भी ऐसा नहीं दिखा कि जो आज के ज़माने का अभी ट्रेंड में चल रहा हो या कुछ ऐसा हो, है ना। इतने गंदे घटिया लहंगे दिखा रही है और मैं तो लहंगे से ही मन भर गया है इसके लहंगे देख देख के। एक होता है लिमिट, वो लिमिट इसकी क्रॉस हो चुकी है, मतलब इतनी गंदी हरकतें। और इसके घर में कपड़े देखे आपने जो पीछे कपड़े सेट कर रही थी। अब आप एक चीज़ और देखो, इसने एक घर को साफ़ सुथरा कर लिया है ना, मतलब साफ़ सुथरा क्या कर लिया, एक बस गंदगी को एक तरफ लपेट के समेट के रख दिया,
ये बोलूंगी मैं, क्योंकि खुद ही सोफे के ऊपर आधे कपड़े गंदे रख के बैठी है और आधे साफ रख के बैठी है, और ये बोल रही है कि इसमें कुछ गंदे कपड़े हैं कुछ साफ कपड़े हैं, जो साफ है मैं अलमारी में डाल दूंगी बाकी अलग कर दूंगी। मतलब जो गंदे कपड़ों के बीच में साफ कपड़े पड़े हैं, मेरे हिसाब से तो स्मेल तो एक दूसरे में चिपड़ गई होगी, गंदगी तो कीटाणु तो चिपड़ ही गए होंगे, फिर वो साफ वाले साफ कहाँ से रहे, मुझे ये समझ में नहीं आई इसकी कहानी। ठीक है, दूसरी बात, ये इतने साड़ी वाड़ी दिखा रही थी, इतना गंदा दिखा रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पहनना नहीं है तो किसी को दान कर दो ना भैया, क्यों धर के बैठे हो तुम इतना गंद। और यहाँ से कचरा अपने घर से, जो अभी जिसमें नीले वाले घर में रह रही है, उस घर से कचरा उठा उठा के माँ के घर में पटक के आ गई है, और अब ये बोल रही है कि मुझे माँ के अंदर ना पहले से लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मेरी माँ के फिर से दौरे पड़ने शुरू हो रहे हैं, मेरी माँ की बीमारी फिर से वापस आ रही है। तो भैया माँ की बीमारी तो वापस आएगी आएगी, जब उनको पानी नहीं नसीब होगा, तो पानी के बिना तो बंदा ही मर जाए, तुम तो क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, कितना गंद मचा रही है सोचो, अपने घर का सारा कचरा उठा के उस घर में भर के आ गई है, भर्ती करके आ गई है, ना वहाँ सफाई कर रही है ना वहाँ कुछ कर रही है, और आज ये ज्ञान दे रही है मेरी माँ को फिर से दौरे पड़ने शुरू हो रहे हैं, मेरी माँ को फिर से बीमारी चिपकनी शुरू हो रही है, और अब मेरे को दिख रहा है कि उनके अंदर ये सब चालू हो गया है, लेकिन अभी भी ये ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे ना सफाई करने की तरफ जाएंगे। तो सोचो आप कैसे गंदे लोग हैं यार, मतलब चीप, चीप शब्द भी ना कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए, चीप के आगे और कोई चीप करके लंबा सा हो ना तब भी मैं बोलूँ वो भी कम पड़ जाए तुम्हारे लिए, इतनी गंदी हरकतें यार, क्या मतलब शादी शादी शादी, ज़िंदगी में इंसान को सिर्फ शादी करनी होती है क्या, और कुछ उसके पल्ले नहीं होता। आप लोग ये देखो, एक नॉर्मल इंसान होता है, उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, वो इंसान ना एक नॉर्मली जीवन जीने की सोचता है, वो नहीं सोचता कि दोबारा मेरी शादी होगी। जो ये बोलती है मेरे सास ने बहुत ताने दिए, ये किए वो किए, ये हो गया वो हो गया, है ना, तो ये फिर क्यों उस चीज़ में जाना चाह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब इसको लगता है कि सास ने इतना गंद मचा दिया सब कुछ कर दिया, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब क्यों इसको बार बार इसको सास और ये सब में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है इसका। क्योंकि आप ये देखो कि एक इंसान होता है, उस इंसान को ना मतलब एक बार ठोकर लगती है तो इंसान वो बच के चलता है कि भैया दोबारा मुझे वो ठोकर नहीं खानी है, तो मैं थोड़ा सा उस तरीके से चलूँ कि मेरे को वो ठोकर दोबारा ना पड़े, है ना। लेकिन ये इंसान ऐसा है, इसने अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, और जहाँ पर ये इसकी माँ रहती है वहाँ पर ये क्यों नहीं रहती है, ऐसा क्या रीज़न है, ये क्यों अपनी वीडियोस में हर रोज़ हमें ये सुनाती है मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, मेरे घर में और कोई नहीं होता, मैं अंदर से लॉक करके लाइटें बंद करके रहती हूँ, ये ऐसी बातें हमारे सामने क्यों शेयर करती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये हमें बताना चाह रही है या ये किसी और को इनडायरेक्टली मैसेज दे रही है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये किसी और को बताने की कोशिश कर रही है कि भैया मैं अकेली रहती हूँ, जिसको आना है वो आ जाओ और जो मतलब मन करे वो कर लो, है ना, वो हिसाब है इसका। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, मैं अभी थोड़ा सा फ्री होऊंगी, जैसे जैसे वैसे वैसे वीडियोस डालूंगी, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो चैनल को। और आज ये बोलूंगी कि अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ देख लिया करो आके चैनल पे, वीडियोस आ रहे हैं, और आज एक वीडियो और आएगा, वो एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था मेरे पास, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए वो वीडियो डालूंगी। और अगर आपको किसी और के ऊपर भी रिएक्शन देखने हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, इस चैनल पे अगर किसी और को देखना चाहो तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में बाद में, बाय बाय, टेक केयर।